हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा जी, अब सीन ये है कि मेरी टीनेज जिंदगी चंद दिनों की मेहमान रह गई हुई है, लिटरली सिर्फ एक महीने की मेहमान रह गई हुई है। तो मेरे पास एक बड़े अरसे से एक आइडिया था कि आई वुड बी शेयरिंग माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एज अ टीनेजर। मैंने कहा भाई, वक्त ही गुजर गया, टीनेजर तुम रहे नहीं हो, अभी टाइम है। लेकिन वक्त गुजर जाना है, वीडियो बना लो भाई, क्या हो गया। तो मैंने कहा वीडियो बना रहे थे। अब स्पिरिचुअलिटी कैसी चीज़ है जो कि आप एक टीनेजर से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, आप मनसूब नहीं करते। इट्स नॉट समथिंग टीनेज लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी आर टू वेरी डिफरेंट कॉम्बिनेशन। और इट्स ऑब्वियस, जहाँ पे एक टीनेजर के पास पैसा है चेस करने के लिए, बंदी है चेस करने के लिए, है शोहरत है चेस करने के लिए, वो कान अंदर जाके झांकेगा। दुनिया भरी पड़ी है, अंदर क्यों झांक रहे हैं? तो वो नहीं झांकते, और मैं भी नहीं झांकता कभी भी। ईमानदारी वाली बात है। वो तो अल्लाह का शुक्र हुआ था, ने मुझे एक बहुत प्यारा ख्वाब दिखाया और फिर मुझे मदीना बुलाया, हज करवाया, जिससे दीनी फ़राइज़ भी पूरा हुआ लेकिन साथ साथ एक रूहानी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। आगाज़ तो कहूँगा बल्कि रिवाइव हुआ। आगाज़ तो बचपन से ही हो गया होगा, लेकिन रिवाइव हुआ। अब कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव स्पिरिचुअलिटी के जो बहुत एक्सपीरियंस करते हैं। अब स्पिरिचुअलिटी का पता बड़े लोगों को होगा, ठीक है ना, लेकिन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करना एक बड़ा मुख्तलिफ चीज़ है। नमाज पढ़ना स्पिरिचुअलिटी का एक फॉर्म है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करना एक पूरी एक जर्नी है। तो उस जर्नी जो तरी मेरे पर जर्नी है, उसमें कुछ लेसन बताता हूँ आपको। पॉजिटिव्स, जब आप अंदर अंदर जाके ना अपने नफ्स को बचाना शुरू कर देते हो ना, कि वाई आई डू समथिंग, मेरा शैतान कैसे रिएक्ट करता है, मुझे किस चीज़ की लालच आती है, तो यू गेन दिस कंट्रोल हल्का फुल्का। जो आप जाते हो जहाँ तुम नफ्स करते हो, अपने नफ्स के साथ जिहाद करते हो, उसे जिहाद के दौरान ना एक आपके इमोशनल आपको इफेक्ट आता है कि आप अपने इमोशनली बहुत स्टेबल और बहुत कंट्रोल हो रहे होते हैं, आपके इमोशनली पर कंट्रोल आता है। लाइकवाइज एक चीज़ जो टीनेजर में बहुत अच्छी होती है, स्पिरिचुअलिटी की बेसिस जो है ना, वन ऑफ द पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज कंसिस्टेंसी, डूइंग समथिंग, डूइंग अमल, ठीक है ना, और समथिंग कंसिस्टेंटली, प्रैक्टिस अगेंस्ट कंसिस्टेंटली। एक दिन आपने बड़ा नफ्स मार लिया, अगले दिन आप फिर वहीं पर काम कर रहे हो तो फ़ायदा नहीं हुआ। इट्स अ कॉन्स्टेंट बैटल, और बड़ा लंबा हो जाकर जीती जाती है ये वाली जंग। और जीत तब कब होती है, जब बाकी इस दुनिया से सांस ख़त्म होते हैं उस दुनिया में, रब आपसे कहते हैं भाई गुड, तब होती है जीत, वरना जीत होती नहीं है अभी तक। तो यहाँ पर कोई जीत है? खैर, तो वो एक चीज़ जो एस्पेक्ट जो एक बड़ा मेजर पिलर है, वो है कंसिस्टेंसी, इस्तकामत। और टीनेजर लाइफ में आपके खुद जिस्म डेवलप हो रहा होता है, दिमाग डेवलप हो रहा होता है, केमिकल रिएक्शन डेवलप हो रहे होते हैं, आप हर रोज़ चेंज बदले हुए होते हो, कभी आप कुछ कभी आप कुछ। तो कंसिस्टेंट रहना, ठीक है ना, कंटेंट रहना, ये बड़ी मुश्किल चीज़ होती है टीनेज लाइफ में। दैट बीइंग सेड, ये तो मैंने बात कर दी प्रैक्टिकल टर्म्स में, रूहानी टर्म्स में ये फ़ायदा होता है। द थिंग इज़ के वी लिव इन दिस वर्ल्ड, जहाँ पे हमारे पास न्यूरोबायोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं, हमारे पास कॉस्मिक लेवल के एस्ट्रोनॉट्स हैं, हमारे पास बड़े ह्यूज थिंकर्स हैं, लेकिन ना एज सिंपल एज दिस मे साउंड, उतना ही मुश्किल है कि नो वन इज एबल, पहली। दूसरी बात ये, नो वन इज रेडी स्पेंड टाइम विद देमसेल्व्स, नोइंग देमसेल्व्स, नोइंग देयर नफ्स एंड देयर खुदा एंड अट्रैक्टिंग देयर खुदा एंड डिसोशिएटिंग देमसेल्व्स विद देयर नफ्स। ये पूरी सब स्पिरिचुअलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट है जो मैंने 2 मिनट समझाया है। और ये चीज़ करना बात तो में बड़ा जिक्र भी लग रहा होगा, लेकिन ये चीज़ करना प्रैक्टिकली रोज़ 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 बहुत मुश्किल है। और एज अ टीनेजर आप बड़े फेज आते हैं, एक दिन आप बहुत ऊपर होते हो, अगर दिन आप बहुत नीचे होते हो। कंसिस्टेंसी, इस्तकामत, तभी तो बड़ी मुश्किल, बड़ी अहम चीज़ है, क्योंकि वो आती नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ता है अपने आप से। सुबह से उठना, इतनी बातें करनी पड़ती है, उठ जा ए, उठ जा बिलाल, उठ जा, फिर जाके बंदा नमाज़ के लिए उठता है, वो भी देख से उठता है। तो या
बाकी स्पिरिचुअलिटी के बड़े एक्सपर्ट होते हैं, नमाज तो हमारे पे फ़राइज़ है, फ़र्ज़ है, और नमाज सबसे अव्वल तरीका है अल्लाह से कनेक्ट करने का। लेकिन उसके अलावा और भी बड़े तरीके होते हैं। कभी मैं आपको एक मेडिटेशन, इस्लामिक मेडिटेशन का तरीका बताऊँगा, जो कि मिस्टिसिज्म से भी पाया जाता है और कुरान हदीस से भी जस्टिफाई होता है। कभी वो आपको बताऊँगा जिक्र का तरीका, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। खैर, ये मैंने वीडियो बना ली, बन गई बस, इतनी सी बात थी।